जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि अभी भी ये उतना लिखा हुआ है जितना अभी हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाए। ये फार्मूले हमारे चल रहे हैं, जो नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं या नए स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ इसके विषय में कि ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक का बेसिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन चल रही है, जिसमें आप 250 प्लस फार्मूले सीखने वाले हैं। इसकी एक वीडियो हमने पहले बना चुके हैं जिसमें हमने इसके विषय में काफी डिटेल में बात की है। यहां तक हमने फार्मूले बनाना आपको सिखाया, ट्रिक बताई किस प्रकार से फार्मूले बनाए जाते हैं। इसके आगे हम उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आगे फार्मूला बनाएंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप वो पहले वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में शायद मैंने लिंक दे दी है, याद नहीं है तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा, या फिर इसी का दूसरा पार्ट, ये इसका पहला पार्ट, ये तो दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट आप जाइएगा इसी के प्ले लिस्ट में तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक बार फिर मैं आप सभी से यही कहूंगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। पहले जो मैंने ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, नहीं तो फिर बाकी तो मैं बताऊंगा ही, थोड़ा माइंड चलाइए। ठीक है, तो ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं यहीं से आगे अपनी क्लास। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा था कि यहां से यहां तक जहां पास में चार्ज क्या हो, सेम चार्ज में हमने बनाए, देन ये अपोजिट चार्ज वाला चला। अब अपोजिट चार्ज वाला और हमारे पास बचा है तो हमारे पास में दूसरा कौन सा चला, दूसरा हमारे पास में चल रहा है जब हमारे पास में चार्ज नंबर, क्या चार्ज नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो। जब चार्ज नंबर डिफरेंट हो तो हमको उसको शो करना है, जब हमको शो करना है तो हमने यहां से क्या लिया बच्चों, हमने यहां से लिया Cu+2, तो हमने यहां से ले लिया Cu+2। और हम सबसे पहले तो ये बताओ, हमने Cu+2 का नाम क्या बताया था, क्यूप्रिक, तो इसका नाम है क्यूप्रिक, हमने ले लिया। यहां से हमने Cl- ले लिया, हम जानते हैं कि फार्मूला लिखते समय हम चार्ज को नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने चार्ज को नहीं लिखा। इसका चार्ज इस साइड, इसका चार्ज नंबर इस साइड, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बनने वाला फार्मूला होगा आपका Cu। अब ये चार्ज यहां आया तो यहां बन हो गया, ये बन ले लो Cl2। अब बन को हम लिखते नहीं है, बन लिखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसका फार्मूला बन गया, क्या बन के आया आपके सामने, CuCl2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि ये है क्यूप्रिक, ये है क्लोराइड, बनने वाला फार्मूला हुआ क्यूप्रिक क्लोराइड। यदि कोई आपसे पूछे क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला है। किसी ने पूछा क्यूप्रस क्लोराइड का क्या है तो आप क्या बोलोगे, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड है और CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड है। बात सही आ रही है बच्चों, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, हम यहां से ले लेते हैं Ba, तो हमने यहां पर ले लिया Ba, Ba का नाम क्या है आपका, बेरियम, बैलेंस C+2 है, Cl- की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस को हम लिखेंगे नहीं, इसकी बैलेंस इस साइड दे दो, इसकी बैलेंस नंबर इस साइड दे दो, या चार्ज नंबर इस साइड दे दो, बनने वाला क्या होगा बच्चों, बनने वाला होगा आपका BaCl2। अब Ba का नाम है बेरियम, Cl का नाम है क्लोराइड, इसलिए नाम क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड, तो हमने यहां पर लिख देंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड। सेम इसी ट्रिक से, इसी प्रकार से क्या बनाएंगे बच्चों, हम यहां पर, हम बनाएंगे यहां पर MgCl2, यहां पर क्या बनाएंगे CaCl2, यहां पर क्या बनाएंगे FeCl2। अच्छा, इसका नाम क्या है बता दिया मैंने आपको, इसका नाम क्या है फिर एक बार बता देता हूं, इसका नाम क्या है क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि Mg है मैग्नीशियम और Cl है क्लोराइड, हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि Ca है आपका कैल्शियम और Cl है आपका क्लोराइड, हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये है आपका फेरस, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फेरस क्लोराइड। हमारे पास में दो है, एक फेरस क्लोराइड है, एक फेरिक क्लोराइड है। ये क्या हुआ बच्चा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है FeCl2 का नाम क्या है, फेरस, फेरस यूएस आया, ठीक है, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। अच्छा, अब ये हमारे पास में दो वाले कंप्लीट हुए तो हम यहां से यहां तक इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आया +3 वाला, देखो अब हमारे पास में, हमारे पास में क्या है बच्चों, Fe+3 है, Cl के ऊपर -1 है, एक तो इसके साथ बनाना है, दूसरा किसके साथ बनाना है, एल्यूमिनियम के साथ बनाना है, Al है, ये +3 है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, और एक किसके साथ बनाना है, Cr के, तो ये है Cr, इसके ऊपर +3 है, Cl-, नाम बोलते जाओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम बोलोगे आप फेरिक, तो यहां हम लिख देते हैं, इसका नाम है फेरिक, इसका नाम एल्यूमिनियम,
इसका नाम क्रोमियम। तो अब चार्ज तो हमको शो करना नहीं है, चार्ज तो हम अलग कर देते हैं, चार्ज नंबर से मतलब है। तीन यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, बनने वाला क्या होगा बच्चों, बनने वाला आपका होगा FeCl3। FeCl3 का नाम क्या है, फेरिक क्लोराइड, लिख लीजिए FeCl3 नाम होगा आपका फेरिक क्लोराइड। अच्छा यहां पर आपका एल्यूमिनियम है, चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज तो हमको चार्ज को हमको यहां पर शो नहीं करना है, चार्ज नंबर इस साइड जाएगा। तो क्या बनेगा फाइनली फार्मूला बच्चों, AlCl3 इसका क्या बनेगा CrCl3। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसको क्या लिखते हैं CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, इसका हमने नाम लिख लिया क्रोमियम क्लोराइड और इसका नाम क्या है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने यहां पर फार्मूले लिखे। अब कुछ और फार्मूले गलते हैं, हमारे साथ साथ करते जाइए, अपना दिमाग लगाइए क्या बनेगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये कंप्लीट हमारा यहां तक हमने सीएल का लिख लिया, सीएल का कंप्लीट हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया अभी भी अपोजिट साइड चार्ज वाले को करना है, कैसे, जैसे यहां आया आपका O-2, तो हमको किसके साथ बनाना है, इसी के साथ बनाना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे H+1 O-2। देखो बच्चों यहां से प्लस माइनस चार्ज को नहीं लिखना, नहीं लिखा, अभी भी अपोजिट चार्ज नहीं आ रहा है। अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या बनेगा, बनने वाला अभी भी क्या होगा H2O। बात समझ आ रही, बनने वाला अभी भी क्या होगा H2O। इसका नाम क्या है, वाटर, मतलब पानी, इसको क्या बोलते हैं आप, पानी। मैं यहां पर लिख देता हूं H2O, लिख लीजिए आप वाटर। अच्छा अब हमको आया NH4, O के माइनस में आया, तो ये क्या लिखेंगे हम NH4+O-2 है, चार्ज तो हम लिखेंगे ना, NH4+ है, ठीक है, O-2 तो है, तो हम लिखना नहीं है माइनस को, प्लस को लिखना नहीं है, ठीक है। ये चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आंसर क्या होगा बच्चा, हमारे पास होगा NH4। अब यहां पर ट्वाइस लग जाएगा क्योंकि ये वाला इधर आया, हमने बोला था NH4 में आपको ब्रेकेट लगाना है, और यहां पर हो जाएगा ये। बात समझ आ रही है, हालांकि ये फार्मूला नहीं है, आपको नहीं लिखना है, लेकिन बनने वाला ऐसा रहेगा। अब ये आपको यूज कभी होगा नहीं, तो हम यहां पर एरो लगा देते हैं, इसको मत लिखो वाले, इसका यूज कभी होने वाला आपको नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं हम, बात समझ आ रही है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी बात नहीं, इसकी बात करते हैं के की, तो इस वाले लाइन की के की बात करते हैं, तो यहां से क्या आया बच्चों, K+ आया कि नहीं आया, यहां से क्या आया आपका O-2, यह हुआ O-2। तो हम जानते हैं कि माइनस बैलेंस लिखते नहीं है, इसलिए हम इसको वन लिख ले, इसको टू लिख ले, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अपोजिट क्या बनेगा K2O। बात समझ में आ रही है, लेकिन K2O को भी आपको नहीं पढ़ना है, अच्छी बात तो ये है, टेंशन ही खत्म, K2O को आपको नहीं पढ़ना है, बनने वाला लेकिन ऐसा बनता है फार्मूला। अब हमारे पास में आया सोडियम, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी ऑक्साइड परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाली कंडीशन आ जाती है यहां पर, ठीक है। तो अब वो क्या होता है क्या नहीं होता है, समय के साथ में आपको बताऊंगा कि सुपर ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड में तो बता दीजिए मेरे कि ऑक्सीजन की बैलेंस -2 होती है, तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, परोक्साइड भी होता है आपका और सुपर ऑक्साइड भी होता है। तो बेटा अब मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए मैंने सीधा बोल दिया कि इसको आप मत लिखो, काम नहीं आने वाला आपको अभी। हां यहां बात करते हैं Na, तो Na भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन Na के विषय में भी हम लिखेंगे नहीं, Na बना इसकी बंद है, इसके पास में 2 है, क्या रहेगा आपका, आपका रहेगा Na2O, चाहो तो आप लिख लो, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको आने वाला अभी तो नहीं है, चाहो तो आप लिख लो, क्या बनेंगे सोडियम। अब इसका नाम रहने दो, मैं तो कहता हूं मत लिखो आप, ठीक है, मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो आप, हालांकि आपका सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है या पोटेशियम ऑक्साइड है, लेकिन अभी नहीं आने वाला, मत लिखो। मैं तो बेसिकली आपको जो बता दिया, जो काम आने वाले हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में बना दूसरा क्या बनेगा Ag, तो स्वाभाविक है हमारे पास में क्या रहेगा Ag+ चार्ज, O2+ चार्ज, दोनों ने क्या किया अपना चार्ज ट्रांसफर, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्या बनेगा बच्चों Ag2O। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड, Ag
2O सिल्वर ऑक्साइड लिख लीजिए, सिल्वर ऑक्साइड। अच्छा Cu के साथ में क्या बनेगा, Cu के साथ में क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा Cu बन है O दो है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आपका बनेगा Cu2O, Cu2O। तो यहां पर लिख लीजिए, अब नाम क्या हो जाएगा, Cu twice या 2O ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। हालांकि ये भी आपको कमी आएगा लेकिन ठीक है, फिर भी लिख लीजिए आप। अब हमारे पास में आती है नंबर इसका, अब ये सेम आ गया, समझ ना बच्चों, अब इसकी किसकी बात हो रही है, अब हमारे पास में सेम चार्ज आ गया, सेम चार्ज आ गया मतलब अब हमारे पास दो को नहीं लगाना हमको, क्यों नहीं लगाना, देखो बहुत अच्छे से देखना, अब सेम चार्ज वाली कंडीशन आ गई, जो कंडीशन पहले थी ना, कौन सी, चार्ज नंबर, चार्ज नंबर कैसा हो, सेम हो, चार्ज नंबर कैसा हो, सेम हो, तो हमको उसको सो नहीं करना, चार्ज नंबर को सो नहीं करना। देखिए एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले आपने क्या लिया, आपने ले लिया Cu प्लस टू, ये लो बच्चों Cu प्लस टू ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है, प्लस माइनस को नहीं लिखते इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया यहां से। अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में क्या बचा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, बनने वाला होगा Cu2O2, लेकिन सेम चार्ज में ये चार्ज नहीं लिखे करते इसलिए हम क्या लिखेंगे, CuO, CuO। तो हमारे पास से फार्मूला क्या बना इसका, फार्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास में, इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास में CuO। नाम क्या होगा, नाम होगा इसका क्यूप्रिक, क्योंकि प्लस टू वाले क्या बोलते हैं, एक इसका नाम होगा बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, नाम लिख लीजिए इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड, स्पेशल नाम है इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड, बहुत काम आता है आपको, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। उसके बाद में क्या बनेगा, हमारे पास में बीए है दो के साथ, ऑक्सीजन भी है दो के साथ में, चार्ज नहीं लिखा हमने, क्या बनेगा आपका BaO, टू तो बनता लेकिन टू को नहीं लिखना इसलिए क्या बनेगा इसका BaO, बेरियम ऑक्साइड, BaO बेरियम ऑक्साइड। सेम कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम कंडीशन में क्या बनेगा CaO, सी कैल्शियम ऑक्साइड। और सेम में क्या बनेगा FeO, FeO। तो नाम क्या होता है FeO का, फेरस ऑक्साइड, FeO का नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्या रहेगा बच्चों आपका नाम, फेरस ऑक्साइड। तो ये हमने लिख लिया फेरस ऑक्साइड, देखो कितने आसान ट्रिक है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, डोंट वरी, टेंशन ना लो जब तक हमें आपके साथ में। चलो अब बात करते हैं हम अपोजिट चार्ज में, अब किसमें आ गए हम, अपोजिट चार्ज, ये तो सेम चार्ज मिल गया यहां से यहां तक, सेम चार्ज में हमने लिख लिया, और अपोजिट चार्ज आया हमारे पास में क्या है, एफी की वैलेंसी प्लस थ्री, क्या बोलते हैं प्लस थ्री को, फेरिक, ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू, चार्ज को सो नहीं करते हैं, चार्ज सो नहीं किया, इसका चार्ज इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बनेगा Fe2O3, इसका नाम क्या है, प्लस थ्री चार्ज वाले क्या बोलते हैं बच्चों, नाम क्या है, फेरिक। देखो यहां लिखा भी है, अभी भी आपके पास लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इक, इसका नाम है फेरिक, इसका नाम है ऑक्साइड। फार्मूला क्या होगा आपका, आपका फार्मूला होगा एफी, एफी ट्वाइस या टू ओ थ्री, एफी टू ओ थ्री, ट्वाइस नहीं टू ही बोल दो, एफी टू ओ थ्री। नाम क्या होगा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, लिख लिया फेरिक ऑक्साइड। देन इसके बाद में सेम कंडीशन में क्या जाएगा आपका, ये आपका एल्यूमिनियम है थ्री वैलेंसी के साथ में, ये ऑक्सीजन है दो के साथ में, दो इधर आएगा तीन इधर आएगा, क्या बनेगा बच्चों आपके पास में AlO, Al2O3, Al2O3। तो ये हुआ आपके पास में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आया बच्चों आपके पास में Cr, ये हुआ Cr, प्लस थ्री के साथ में है, ऑक्सीजन दो के साथ में है, चार्ज नहीं लिखना, चार्ज ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बनेगा आपका Cr2O3, Cr2O3, ये हुआ Cr2O3, दिखाना आपको सभी को Cr2O3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्रोमियम, इसका नाम होगा क्रोमियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने फार्मूले बनाना सीख गए, बात समझ में आई, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में कौन सा आता है बच्चों, हमारे पास में आया, हमारे पास में अभी अपोजिट चार्ज वाला आएगा, फिर डबल से आने वाला है,
अब शायद आप बना सकते हैं सीधा, देखो मैं आपको सीधी ट्रिक क्या बताता हूं। यहां पर आपका चार्ज 3 है, यहां पर चार्ज 1 है। अब मैंने यहां पर आपको क्या बोला था, अब समझने की कोशिश करना। यहां हाइड्रोजन क्या हुआ, 1 के साथ में है। नाइट्रोजन क्या हुआ, -3 के साथ में है। चार्ज नहीं लिखते, फार्मूला क्या होगा, H3N। हाइड्रोजन नाइट्राइड, क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन नाइट्राइड। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है नाइट्राइड, लेकिन बच्चों क्या बोला आपने, हाइड्रोजन नाइट्राइड। लेकिन हम हाइड्रोजन नाइट्राइड नहीं बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है, लिखने का तरीका भी दूसरा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, इस प्रकार से हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एन पहले लिखेंगे, H3 बाद में लिखेंगे, ठीक है। और इसका नाम हाइड्रोजन नाइट्राइड नहीं है, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है इसका, अमोनिया, अमोनिया, बात समझ में आई, अमोनिया, अमोनिया। इसका नाम क्या बोलते हैं, अमोनिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसका हाइड्रोजन प्लस और N3- से मिलकर क्या बना, NH3। याद रख लेना, एक ये हमारे पास में इस रूल को फॉलो नहीं करता, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि नाइट्रोजन पहले आया है, हाइड्रोजन बाद में गया है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, NH3। इसको क्या बोला, इसको बोला हमने अमोनिया। क्या बोला हमने, अमोनिया। बात सही में आ रही है, कोई डाउट, कोई नहीं ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। और हमारे पास में क्या आएगा, दूसरा बता सकते हो आप सभी, बिल्कुल विश्वास दिखाइए। हमारे पास में आता है NH4 प्लस के साथ में है, N3 के साथ में है, बच्चों बनने वाला होगा आपका NH4। इधर 3 लगेगा, इधर N लगेगा, लेकिन आपको यूज नहीं आएगा आगे, इसलिए हम नहीं लिखते, इसका यूज आपको नहीं है। बाकी बनाने के लिए हमने बना लिया, लेकिन यूज नहीं है। अब हमारे पास में आएगा एक K, बन के साथ में है N, -3 के साथ में है, बनने वाला होगा K3N, पोटेशियम नाइट्राइड, ये अमोनियम नाइट्राइड। लेकिन हम इसको नहीं लिखते हैं बच्चों, इसलिए हम भी इसका नाम नहीं, फार्मूला नहीं लिखेंगे। देखो आसान हो गया। अब हमारे पास में आया N, तो सेम इसमें भी क्या बनेगा, ये हुआ आपका सोडियम, ये हुआ N3, बनने वाला क्या होगा बच्चों, ये इधर आएगा, बनने वाला होगा NH3N, सोडियम नाइट्राइड। ये भी हम नहीं लिखेंगे, ज्यादा यूज नहीं होगा इसका, जो ज्यादा यूज होने वाले हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसका में क्या आया, Cu, चलो इसको लिख ही लेते हैं हम, ज्यादा यूज तो नहीं है, Cu का बन है, N का क्या है, -3 है, क्या होगा बच्चों, Cu3N। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, क्यूप्रस नाइट्राइड, लेकिन काम नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको भी नहीं लिखते। बात सही में आ रही है, तो हमने यहां एक ही लिखा, उसका नाम क्या है, अमोनिया। क्या है आपका, अमोनिया, NH3 क्या कहलाएगा आपका, अमोनिया। बात सही में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करते हैं, चालू कंटिन्यू करते हैं यहीं पर। अब हमने किसके साथ लिखा, इसका +2 वाले के साथ में कराइए, क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, बल्कि अब तो आप कर लोगे, है ना, आपको लग रहा हो क्या सर कितनी देर लगा रहे हो आप। तो क्या हुआ, यहां Cu2 है, नाइट्रोजन 3 है, चार्ज नहीं लिखा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा आपका, Cu3N2, इसका नाम होगा क्यूप्रिक नाइट्राइड। चाहो तो लिख लो, लेकिन काम नहीं आने वाला है आपको ज्यादा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्राइड। क्यूप्रिक मैंने यही लिखवा दिया, आपको लगे तो लिख लेना, नहीं लगे तो मत लिखना, आप सीख गए कैसे फार्मूला बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्राइड, आपको यूज नहीं आने वाला, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं अब। हाँ, देन इसके बाद में 9, 10, 11, 12 में अभी इसका काम नहीं आने वाला, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हाँ 12 में आपका थोड़ा बहुत आएगा, तो 12 में है, लेकिन अब आप बना लोगे, ठीक है। आप ज्यादा नंबर लिखोगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा, चाहो तो आप लिख लो। इसका नाम क्या है, +2 है, और एक होता है +1, तो इसको बोलते हैं एक, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक नाइट्राइड। क्या बोला मैंने, क्यूप्रिक नाइट्राइड, चाहो तो आप लिख लो। अब हमारे पास क्या आया, BA, बात क्या हो जाएगी, BA की वैलेंसी 2, N की वैलेंसी 3, क्या हो जाएगी, चार्ज नंबर चेंज कर दो, BA3N2, बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, मैं इसको भी नहीं लिखूंगा, बेरियम नाइट्राइड। अच्छा, ये हुआ मैग्नीशियम, इसी प्रकार से आपका, चलो एक लिख देता हूं मैं, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड।
ये कैल्शियम नाइट्राइड, मैंने इसको भी नहीं लिखा, इसी प्रकार से बनेगा कैल्शियम नाइट्राइड। ये क्या बना आपका Fe प्लस टू, क्या बनेगा आपका थ्री, इधर आ जाएगा तो ये बनेगा आपका Fe थ्री और इधर N चला जाएगा Fe थ्री N टू, Fe थ्री N टू। तो इसको भी मैंने नहीं लिखा, इसका काम भी आपको अभी नहीं आने वाला, डोंट वरी, चाहो तो लिख लो। इसका नाम हो जाएगा बेरियम नाइट्राइड, इसका नाम हो जाएगा फेरस, क्योंकि प्लस टू है ना बच्चों, यूएस आएगा इसमें, फेरस नाइट्राइड। फॉर्मूला बनाना सीख गया ना, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में आया Fe प्लस थ्री, अब समझो यहां पर, अब ये सेम चार्ज वाला आ गया, क्या आ गया आपका सेम चार्ज वाला आ गया आपका, ठीक है। अब क्या आया आपका सेम चार्ज वाला आया, इसलिए क्या करेंगे सेम चार्ज सो नहीं करते हैं, सेम चार्ज सो नहीं करते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखो Fe प्लस थ्री का हमारे पास में आया A माइनस थ्री के साथ में, चार्ज नहीं लिखते हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या बनेगा आपका Fe N। इसी प्रकार से हमारे पास में एल्यूमिनियम है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एक नाम क्या हो जाएगा फेरिक नाइट्राइड, लिख लीजिए इसका नाम फेरिक नाइट्राइड, फेरिक नाइट्राइड लिख लिया, शाबाश। अब हमारे पास में एल्यूमिनियम प्लस थ्री, नाइट्रोजन माइनस थ्री, माइनस चार्ज कैंसिल कर दो, ये इधर क्या बनेगा एन थ्री, एन थ्री, लेकिन चार्ज हम नहीं लिखते इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। फार्मूला बना एल एन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्या बना बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमियम नाइट्राइड, सी आर एन क्रोमियम नाइट्राइड, इसका भी यूज नहीं आएगा तो रहने दो, मत लिखो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, बात समझ में आई, इतना लिख लिया, सब बात कंप्लीट कर लो, इसको मिटा दो। अब आप आगे लिखिए, आगे क्या होगा, अब आते हैं हमारे पास में यहां पर, अब देखो ये बहुत काम के हैं, इनको आपको याद रखना है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हो, यही सबसे ज्यादा सरल भी है, बहुत आसान है ये, देखो कैसे आसान है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, शाबाश। अब हमारे पास में आया H प्लस, अब समझना हमने क्या बोला, समझो समझो समझो, चालू करें बच्चे। अब यहां पर क्या है ना, हमारा थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है नाम लिखने का, ठीक है। अब यहां से आपको एसिड वाले आ रहे हैं, जो आपके ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड जब H प्लस से रिएक्शन करते हैं तो आप एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप बहुत ध्यान से देखना कि हम बोल क्या रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था नाइट्रोजन में दो होते हैं ऑक्साइड, एक तो NO2- होता है, एक हमारे पास में NO3- होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो 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 हाँ। एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में होता है SO3- होता है, एक क्या होता है SO4- होता है, बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो हाँ। अब हमने क्या बोला, हमने बोला था इसमें क्या लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं आपका, इसमें हम लिखते हैं आपका आइट, इसमें आइड लिखते हैं ना। अच्छा मैं इसको थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी आपको, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कैसे, ये एनओ टू और ये लिख देता हूं मैं नीचे एनओ थ्री माइनस, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं एसओ थ्री माइनस टू और इसको ले देता हूं मैं एसओ फोर माइनस टू, बात सही में आ रही है। अच्छा बेटा इसके दो नाम है क्या, एक तो हम इसको बोलते हैं जो छोटा वाला है, इसमें इन दोनों में ये छोटा, इन दोनों में ये छोटा, तो छोटे वाले को बोलते हैं आई टी ई, इनके नाम में बोलते हैं आई टी ई, इसका नाम है नाइट्राइट, इसका नाम है सल्फाइट। अच्छा इन दोनों में बड़े को बोलते हैं एटीई, तो इसमें ये बड़ा है तो एट, इसमें ये बड़ा है तो एट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सल्फेट, बात समझ में आ रहा है। इसको क्या बोला, इसको क्या बोला नाइट्राइट, इसको क्या बोला सल्फाइट, इसको क्या बोला नाइट्रेट, इसको क्या बोला सल्फेट। लेकिन हाइड्रोजन जब लगेगा ना, क्या लगेगा, ओनली फॉर हाइड्रोजन के केस में एसिड हो जाएगा ये हमारा, हम इसको बोलेंगे क्या, इसको देखो हमने हमने अभी ध्यान दो, यहां पर हमारे पास दो बैलेंसी थी, एक था Cu प्लस वन, एक था Cu प्लस टू, एक था Fe प्लस टू और एक था Fe प्लस थ्री।
इसका नाम क्या लिखा था, इन दोनों में छोटा ये और इन दोनों में छोटा ये वाला छोटा है, तो हमने छोटे वाले को बोला था अस और बड़े वाले क्या बोला था एक, बोला था ना छोटा वाला अस बड़ा वाला एक। अब ये देखो, अब ये छोटा है तो हम इसको भी अस बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे इसको अस, क्या बोला हमने अस, और इसको हमने वो क्या बोला एक, बहुत अच्छे समझना क्या बोला हमने एक। जब इसके पास एच लगेगा, एच के अलावा यदि कुछ और लगे, बहुत अच्छे समझना क्या बोला, यदि इसके अलावा एच के अलावा कुछ और लगे तो हम आइट बोलेंगे, यदि एच लग जाए तो वो आपका एसिड बन जाता है अस, तो इसका हो जाएगा नाइट्रस एसिड सल्फ्यूरस एसिड। किसी ने बोला नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे HNO2। किसी ने बोला सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे H2SO3। हमने क्या बोला, आपसे बोला किसी ने नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, एसिड, क्योंकि ऑक्साइड जब H+ से रिएक्ट करता है तो वो एसिड फॉर्मेशन करेगा। मैंने क्या बोला, ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड जब H+ से रिएक्ट करता है तो वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। उस एसिड का अपना एक नाम होगा, नाम क्या होगा, या तो आपका होगा अस एसिड या होगा आपका इक एसिड। क्या बोला मैंने, अस एसिड, अस एसिड, और क्या बोला मैंने, इक एसिड। बात समझ आ रही है, मैंने बोला अस एसिड। यदि मैं यहां एच लगा दूं तो वो हो जाएगा नाइट्रस एसिड, नाइट्राइड नहीं लिखेंगे हम उसको, हम क्या लिखेंगे, नाइट्रस एसिड। यदि यहां एच लगा दूं उसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड। अच्छा, यहां लगा दूं एच सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, और यहां एच लगा दूं सल्फ्यूरिक एसिड। बात सही में आई, ये वाले का यूज करके हम अब भी देखो फॉर्मूले बनाने वाले हैं। तो ये अस और एक को हमको यहां यूज करना है, इसके बेसिस पे हमने यहां पर लिखा। अब समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं H+ से NO3 की NO2 की रिएक्शन कराऊंगा, तो ये क्या है मेरा बन, ये क्या है मेरा NO2 माइनस बन, दोनों की सेम बैलेंसी, सेम बैलेंसी कैंसिल, फार्मूला क्या हो जाएगा, बना के देखो, फार्मूला होगा आपका HNO2। फार्मूला क्या होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इन दोनों से मिलके इसका बने, इसका बने, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, इन दोनों से मिलके यही तो बनेगा ना भाई HNO2, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहां गई, इसकी वैलेंसी यहां गई, तो बन लिखते नहीं है HNO2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अब यहां पर आइट नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन केस में क्या लिखेंगे, अस, NO2 को क्या बोलते हैं अस, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस, नाइट्रस एसिड, साथ में एसिड भी लगाएंगे आप, नाइट्रस एसिड। बात सही में आई, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हम इसके साथ में इसको भी लिखी लेता हूं मैं आपको, ठीक है, इसका भी मैं बता देता हूं, ये हुआ H प्लस और ये हुआ NO3 माइनस बन बन, तो माइनस को तो लिखेंगे नहीं, चार्ज ही लिखा, ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा, लेकिन सेम चार्ज होने की वजह से हम आगे लिखते नहीं है, इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, इसका फार्मूला बनेगा आपका HNO3। इसका मैंने साथ में लिख दिया HNO3, तो फार्मूला बना HNO3। इस फार्मूले का नाम क्या होगा, अच्छा किससे मिलकर बना, NO3 से, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, जब हाइड्रोजन के साथ में आता है तो क्या बनाता है, एसिड, कौन सा, एक एसिड, नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाँ या ना, बात सही में आ रही है, क्या होगा नाइट्रिक एसिड, तो इसका नाम लिख लीजिए यहां पर नाइट्रिक एसिड, फार्मूला क्या है HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2। तो अब क्लियर हुआ, यदि कोई आपसे पूछे नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रस एसिड का HNO2। तो कोई ने आपसे पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रिक एसिड का क्या बोलोगे, HNO3। फंडा क्लियर है ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा साथ में मैं यहां वो लिख ही देता हूं, ठीक है, साथ में मैं यहां पर वो लिख ही देता हूं, तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे मैं इसको ऐसे यहां से यहां तक अलग पार्टीशन कर देता हूं एसिड वाले का। बात सही में आ रही है, अब देखो बच्चों साथ में मैं ये दोनों सीख गए मैं लिखना, बहुत बढ़िया शाबाश। साथ में मैं क्या करने वाला हूं, सल्फर का एग्जांपल और आपको देने वाला हूं। अब मान लीजिए सल्फर के ऑक्साइड का एग्जांपल देने वाला हूं। अब मान लीजिए एच प्लस की रिएक्शन, यहां से एच प्लस लिया आपने, ले लिया यहां से एसओ4 लिया आपने, एसओ4 ले लिया माइनस टू।
अब आपको क्या होगा, आप सेम चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज है। अब क्या होगा, चार्ज तो हटा दो, हटा दिया, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे H2। बहुत ध्यान से समझना, H2 SO4 हो गया ना, क्योंकि यहां ये गया तो ये तो हो गया 2, और SO4 में एक गया तो कुछ तो है ही नहीं, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, सिंगल है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, बाकी हमको ब्रैकेट लगाना है। तो फार्मूला बना आपका H2SO4, अब नाम बताता हूं, नाम बताता हूं, लेकिन अब मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन इसके साथ भी करवा दें, तो ये हुआ हमारे पास में H+, ये हुआ हमारे पास में SO4-2, नहीं नहीं SO3 के साथ करवाना है ना, SO4 के साथ तो हो गई, SO3 के साथ करवाया। अच्छा चार्ज तो हम लिखते नहीं है, चार्ज मत लिखो, चार्ज नंबर लिख लो, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, दोनों ने मिलकर क्या फार्मूला बनाया, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका बच्चों H2SO3। क्या बोला मैंने, H2SO3, नाम बोलो क्या होगा, ध्यान से देखो ये क्या है, SO4 मतलब एक एसिड बनाएगा, ये क्या है SO4 मतलब एक एसिड बनाएगा, मतलब किसका, एक सल्फर का, मतलब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम लिखिए सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोला मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लिया नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं यहां लिख दूं इसका नाम क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं H2SO4, किसी ने बोला सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए, आप क्या बोलोगे H2SO4, किसी ने बोला सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला बोलिए, तो ये हुआ देखो ये SO3, क्या है SO3, ये क्या है SO3, SO3 में क्या लिखते हैं अस एसिड, तो यहां क्या हो जाएगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड अस एसिड, क्या होगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोला मैंने सल्फ्यूरस एसिड, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा आपका H2SO3। किसी ने पूछा आपसे सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे H2SO3। बात समझ आ रही है यहां से यहां तक। अच्छा एसिड तो ये भी बनाते हैं, इसका भी आपका एसिड होगा, इनके भी अपना एसिड होगा, बात समझ आ रही है, तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जब तक इतना लिख लीजिए आप, आगे बात करें हम, बहुत बढ़िया, मिटा दूं ये, यहां से यहां तक हम बात करते हैं आगे, सही आई ना बच्चों, ये अब ये काम नहीं आने वाला, अब क्या काम आने वाला है, अब हमको काम आने वाला है 8, क्योंकि हमने किसकी बात की थी, हमने बोला था सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में इसी में चेंज होंगे नाम, बाकी में अब वही चलेगा, क्या चलेगा, यहां आपका IT यूज होगा, 8 यूज होगा, इसके लिए भी 8, इसके लिए भी 8, बस इसी में आपका सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक था, बात सही में आई, कोई डाउट, पक्का बढ़े शाबाश। अब हमारे पास में आया NH4, अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं NH4 बंचारी के साथ में, किसके साथ रिएक्शन कराना है, इसके साथ में ये कौन है NO2- NO2 क्या बोलते हैं नाइट्राइट, तो इसके पास में बन है, इसके पास में बन है, दोनों को वैलेंसी दे दो, क्या बनेगा फार्मूला NH4 NO2, बात समझ आ रही है, तो हमारे पास में NH4 NO2, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अमोनियम, इसका नाम क्या है नाइट्राइट, नाइट्राइट ITE, बात समझ आ रही है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हुआ नाइट्राइट का, अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO3, बात सही में आई NH4 NO3 अमोनियम नाइट्राइट। अच्छा उसी प्रकार से हो जाएगा KNO3, नहीं 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 गलती हो गया, अमोनियम नाइट्राइट है ना KNO2, किसका फॉर्मूला बनाया हमने NO2 का ना, अमोनियम नाइट्राइट, अरे बच्चों यहां पर हमने क्या बनाया, समझो यहां पर है NO2 को क्या बोलते हैं ITE नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं अमोनियम, तो ये हुआ अमोनियम NH4 को बोलते हैं अमोनियम, ये हुआ अमोनियम, ये हुआ नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, कुछ नहीं, जब ये दो फार्मूले आप मिला रहे हो इसको इसको, तो इनका और इनका नाम भी तो लिखना है ना, साथ में लिख लोगे, इसका नाम हुआ अमोनियम नाइट्राइट, लिख लिया। अब हमारे पास में आया फार्मूला क्या बनेगा, बता सकते हो आप क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा K2
क्यों केटू बनेगा? नहीं बनेगा केटू, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, गलत बोल रहा हो। हमारे पास में हुआ के बन चार्ज, एनओ टू बन चार्ज, कहां से केटू हो जाएगा? हर कुछ बात कर रहा हो, केटू एनओ टू कहां से होगा? गलत है, टू है ही नहीं तो क्या लिखोगे? आंसर क्या रहेगा? के एनओ टू, के एनओ टू। बात सही में आ रही है? हर कुछ ना बोलो, के टू एनओ टू कहां से हो जाएगा रे? हाँ, होगा क्या? नहीं होगा ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इसको बना रहे? नहीं नहीं, उसको नहीं बनाना है, अभी इसी को बनाना है, कंटिन्यू चलना है हम लोग, ठीक है? इसको नहीं बनाना है, इसी को बनाना है। क्या होगा बच्चों फार्मूला? के एनओ टू, नाम लिख लो, के का नाम क्या है? पोटेशियम। एनओ टू का नाम क्या है? नाइट्राइट। नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट। यह था अमोनियम नाइट्राइट, यह है पोटेशियम नाइट्राइट, अब आएगा सोडियम नाइट्राइट, Na NO2 सोडियम नाइट्राइट, फिर आ जाएगा सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, फिर क्या जाएगा? फिर आने वाला है आपका CuNO2। अब इसका नाम क्या होगा? CuNO2। ये फार्मूला वाला O2 है, समझ में आया? ये पूरा फार्मूला वाला O2 है, नहीं बोले उसका NO2 कहां से लिख दिया? फार्मूला वाला O2 है बच्चों, ये इस प्रकार से है फार्मूला वाला NO2। नहीं, आप तो महान मूर्तियां हो, ऐसा नहीं तो नहीं है ना कोई कि सर ये दो कहां से आया? अरे फार्मूले में ही है आपका NO2, NO2 माइनस का नाम ही है आपका नाइट्राइट, ITE। बात समझ आ रही है? NO2 माइनस का नाम है बच्चों नाइट्राइट, NO2 माइनस का नाम है नाइट्राइट। ये तो गलती है, ये इसलिए हमने लिखा नाइट्राइट, ITE। बात सही में आई कि नहीं आई? आई ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CU। अच्छा, नाम क्या है CU का? CU का नाम है अस, मतलब क्यूप्रस नाइट्राइट। क्या बोला मैंने? CuNO2 का नाम क्या है? CU का नाम है क्यूप्रस। क्या नाम है CU का? क्यूप्रस है। बात सही में आ रही है? क्यूप्रस है। इसका नाम क्या है? नाइट्राइट। क्यूप्रस नाइट्राइट लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास में आया, अब हमारे पास फिर अपोजिट चार्ज है, अब Cu+2 वाला आया, लिख लिया, इतना लिख लो जल्दी से, लिख लिया ना, बहुत बढ़िया। अब मैं फटाफट करता हूं थोड़ा, आप दिमाग लगाना कैसे बना फार्मूला, ठीक है? मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आप लोगों को। क्या होगा इसका बच्चों? इसका, इसकी बैलेंस कितनी है? Cu+2। एम की बैलेंस कितनी है? NO2 माइनस। तो ये माइनस चार्ज नहीं लिखते, इसका इधर, इसका इधर। अब देखो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा CuNO2 का होल ट्वाइस हमेशा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सही है, आप ऐसा मत लिखना। कैसा? CuNO2 का ट्वाइस, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। तो हमको ऐसा लिखना है, आपका सही यही है, ये सही वाला है आपका। बात समझ में आ रही है? सभी में ऐसा होगा। अच्छा, हम किसके बाद में क्या लिखें? बेरियम। तो हम क्या लिखेंगे? ये बेरी है, +2 है, ये एनो है, माइनस है, चार्ज अपोजिट जाएगा, क्या बनेगा? बी है, इधर जाएगा, और इधर क्या जाएगा? एनो टू है बच्चों, ये एनो टू का होल ट्वाइस। तो ये हुआ आपका, इसकी बैलेंस कितनी है? दो, दो अलग क्या बोलते हैं? एक। इसका नाम लिखो क्यूप्रिक नाइट्राइट, क्यूप्रिक नाइट्राइट लिखो, क्यूप्रिक नाइट्राइट। फार्मूला लिख दूंगा मैं, Cu क्या होगा? NO2 का होल ट्वाइस, CuNO2 का होल ट्वाइस, क्यूप्रिक नाइट्राइट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेरियम नाइट्राइट, ये लिखो Ba। अब क्या होगा बच्चों? NO2 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस लिखो, BaNO2 का होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्राइट। इसी प्रकार से सेम कंडीशन क्या आएगा? MgNO2 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। सेम कंडीशन में CaNO2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्राइट, CaNO2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्राइट। उसी प्रकार से नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपका FeNO2 का होल ट्वाइस, FeNO2 का होल ट्वाइस। इसका नाम बताओ क्या होगा?
इसका नाम होगा फेरस, क्योंकि हमारे पास में एफी की बैलेंस कितनी है, प्लस टू, और प्लस टू को क्या बोलते हैं, अस। इसका नाम हो जाएगा फेरस नाइट्राइट, फेरस है, फेरस है नाइट्राइट। बात समझ आ रही है, आईटी फेरस नाइट्राइट। ये हुआ प्लस टू वाला कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्लस थ्री वाले की तरफ। लिख लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब कहां चलते हैं, प्लस थ्री वाले की तरफ। अब हमारे पास में रिएक्शन हुई है एफी प्लस थ्री से, तो ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, एफी प्लस थ्री है, यहां पर क्या है, एनओ टू माइनस, एनओ टू माइनस, तो ये है आपका वन, चार्ज हटा दो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एफी। अब क्या होगा, एनओ टू का होल थ्राइस, होल थ्राइस, सही में आ रही है। उसी प्रकार से क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम यहां है एनओ टू, नाइट्राइट क्या होगा, बैलेंस चेंज कर दो, क्या बनेगा बच्चों आपका, एनओ टू क्या बनेगा, एल्यूमिनियम एनओ टू का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट लिख लिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइट लिखा। अब बात करते हैं क्रोमियम, आपका यहां है नाइट्राइट, नाइट्राइट आईटीई की बात हो रही है, बैलेंसी एक्सचेंज कर दो, ये ऑक्सीडेशन नंबर इधर दे दो, सॉरी संख्या इधर दे दो, चार्ज नंबर इधर दे दो, क्या बनेगा, सी आर, सी आर एनओ टू का होल थ्राइस, क्या बनेगा आपका, कैल्शियम नाइट्राइट। तो यहां हम लिख देते हैं क्या होगा, एफी एनओ टू का होल थ्राइस, होल थ्राइस क्या होगा, ए एल एनओ थ्री का होल थ्राइस, फिर क्या होगा, सी आर एनओ, सॉरी सॉरी एनओ थ्री नहीं, एनओ टू, एनओ टू क्या होगा, एनओ टू का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से हमारे पास में फार्मूला बन गया, इसका नाम लिख लो फेरिक, क्या होगा, प्लस टू है कि प्लस थ्री है, सॉरी प्लस थ्री है ना, प्लस थ्री वाला है, कितना वाला, प्लस थ्री, प्लस थ्री को क्या बोलते हैं, एक, फेरिक, क्या हो जाएगा आपका, फेरिक, फेरिक, फेरिक क्या आएगा आपका, फेरिक। बात समझ में आ रही है, नाइट्राइट, फेरिक नाइट्राइट। तो ठीक है बच्चों, हमने यहां तक देखा इसको, अब ये वाली वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे हम इसको नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो इतने की प्रैक्टिस कीजिए, आने वाली वीडियो में फिर मैं आगे के पार्ट को समझाऊंगा, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो